नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस तरीके की जो तोरण होते हैं आपने मार्केट में ज़रूर देखे होंगे, और वो तोरण 80 से 100 रुपए का एक मिलता है। उसकी भी जो लंबाई है वो बहुत कम होती है, और उसमें जो सामान लगा होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। अगर उसकी जगह हम अपने घर में बनाते हैं तो हम एक तो सामान अपने हिसाब का अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं, और लंबाई भी हम कम या ज़्यादा रख सकते हैं, और 40 रुपए से भी कम में आपकी एक तोरण तैयार हो जाएगा। तो चलिए सीख लेते हैं और शुरू करते हैं अपने घरों को सजाना। दोस्तों, यहाँ पे हमें पहले पॉम्पम बनाना सीखना है। तो ये पॉम्पम मैंने बनाए हुए हैं, और ये कैसे बनाने हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमें कोई भी इस तरीके का, देखिए, ऊन ले लेना है, और ये हमें फोक लेना है, और ये देखिए फोक से हमें इस तरीके से इसमें लपेटना है ऊन को। उसके बाद ये देखिए मैंने कट कर लिया है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि यहाँ पे मैंने ये जो ऊन लपेटी है ये टोटल 60 टाइम्स मैंने लपेटी है। अब आपकी जो ऊन है उसकी मोटाई पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप कम लपेटिए, अगर आपकी ऊन इस तरीके की वाली है तो आपको, अगर आप 60 टाइम लपेटेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट पोम-पोम बन के तैयार होता है। अब हमें इस तरीके से एक लंबा सा थ्रेड काटना है इसको बांधने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसको देखिए इस तरीके से डबल किया है, और ये जो मैंने यहाँ पे होल इधर की साइड छोड़ दी थी उसमें से जो बीच वाला होल है मैं इसमें इसको डालूंगी। इस साइड से ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ से हम इसको निकालेंगे। और यहाँ पे हम इसको गांठ लगा देंगे। तो ये कुछ इस तरीके का तैयार हो गया है, और उसके बाद हम इसको फोक से निकाल लेंगे। फिर हम इस गांठ को बिल्कुल पक्का कर लेंगे अच्छे से टाइट, और यहाँ पे दो तीन बार और हम अच्छे से नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए छोटा सा फूल सा हमारा ये यहाँ पे रेडी हो गया है। और अब हमें ये जो धागे हैं इनको कट करना है। तो ये देखिए जहाँ पे जॉइंट होता है दोस्तों, उसको हमें इस तरीके से कट करना है। थोड़े थोड़े धागे लेके ही हम कट कर पाएंगे, इकट्ठे सारी ऊन कट नहीं हो पाती है। तो थोड़ा थोड़ा, दो दो तीन तीन हमें लेने हैं इस तरीके से कैंची में, और इसको हमें कट करते जाना है। और ये देखिए कुछ इस तरीके का हो गया है, ये वो जहाँ पे हमने गांठ लगाई थी वो वाला पोर्शन है। और अब हमें इसको, ये जो हमने काटे हैं ऊन के वो पीसेस, इनको हमें इस तरीके से फैलाना है। ये देखिए ये सेंटर है, और इसको हमें इस तरीके से स्प्रेड करना है। और ये वो वाला ऊन है जिससे हमने इसको बांधा था। तो अभी कुछ इसकी सिचुएशन इस तरीके की हो गई है, ये देखिए। तो ये भी थोड़ा सा लंबा लंबा सा हो जाता है ऐसा करने के बाद। तो इसको हम कट करके इसको शेप देंगे।
और ये जो हमने जिस ऊन से बांधा था उस ऊन को भी हम यहाँ पे काट के अलग कर लेंगे। और ये देखिए हमारा पॉम पॉम बिल्कुल रेडी हो गया है। बिल्कुल जो मार्केट में मिलते हैं पॉम पॉम, ये उनकी ही तरह है। तो हमें इस तरीके से देखिए ढेर सारे पॉम पॉम रेडी कर लेने हैं अलग अलग कलर में। कलर कॉम्बिनेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपको कलर लगे अच्छा लगे उसको यूज़ कर लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप फेस्टिवल्स के हिसाब से बना रहे हैं तो थोड़ा सा जो ब्राइट कलर होते हैं उन्हीं को लीजिएगा। और इस तोरण के लिए हमें इस तरीके की राजस्थानी बर्ड भी बनाने सीखनी है। तो ये बर्ड मैंने बनाई हुई है दोस्तों, और आप एक तोरण में अपनी इच्छा अनुसार एक या दो बर्ड लगा सकते हैं। लंबी तोरण है तो दो लगाइए, नहीं तो एक ही पर्याप्त होगी। दोस्तों ये जो बर्ड है इसको बनाने के लिए मैंने देखिए इस तरीके का कपड़ा लिया है, और ये मैंने 4x4 इंच का लिया हुआ है। इस तरीके से हमें ये स्क्वायर शेप में कपड़ा लेना है, और उसके बाद हम इसको इस तरीके से बीच में से फोल्ड करेंगे और इसमें हम चौक से निशान लगा लेंगे। और ये हमने इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट किया निशान लगाना, और इस तरीके लाते हैं यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। तो इसको हमें इसी निशान के ऊपर हमें मशीन चलानी है, और यहाँ पे इसकी जो बर्ड की जो चोंच है उसे बनाने के लिए हमें इसे कपड़ा लेना है। और ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से मोड़ा है, तो ये इसकी चोंच की तरह काम करेगा। और हमें यहाँ से हमें सिलाई करनी है। आप चाहें तो सुई से सिल सकते हैं और नहीं तो मशीन चला लीजिए। इस पर सिलाई करते हुए हमें यहाँ पे जब हम आएंगे तो इसको जो चोंच वाला कपड़ा है मैं इस तरीके से रखना है, इसको यहाँ पे हमें रख के इसमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमारी चोंच अटैच हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे देखिए सिलाई लगा ली है, और अब मैं इसको ये मैंने यहाँ पे देखिए चोंच वाला जो कपड़ा था वो इंसर्ट करने के बाद सिलाई लगा ली है, और अब मैं इस पे इसको यहाँ पे देखिए सीधा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो है चिड़िया की शेप एक बन गई है। अब हमें यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे आर्टिफिशियल कॉटन इसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो ये देखिए इस तरीके के जो कपड़े के कतरने होती हैं उसको हम इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे, तो ये एक अच्छा यूज हो जाएगा कपड़ों की कतरनों का। और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से इसे मोड़ के सुई से सिल लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगर हम कपड़े की कतरने ना यूज़ करना चाहें तो जो हम ये पॉम पॉम बनाने के बाद जो कटिंग्स बचती हैं उनकी, इसको ना फेंक कर भी हम इस बर्ड में फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बंधनवार बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने जो ये बर्ड बनाई है तो इस वाली जो कतरन बची हुई है उनकी, उसको मैं इसमें फिल करके यूज़ कर लूँगी। तो आपको इस कतरन को फेंकना नहीं है। अगर आपके पास कपड़े या रुई या रेक्रोन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप इस बचे हुए
जो कतरन है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये बर्ड्स मैंने इसी ऊन की कतरन को भर के बनाई हैं। हमें बहुत ज़्यादा मतलब ठूंस ठूंस के नहीं भरना है इन चिड़ियों में, कोई भी जो भी हम स्टफिंग भर रहे हैं, नहीं तो ये चिड़िया जो है ऐसे गोल मटोल सी हो जाएंगी और बंधनवार में ये इधर उधर घूमती रहेंगी, मतलब स्थिर होके नहीं रहेंगी। तो आपको थोड़ा ही भरना है रुई, इसमें रुई या जो भी आप चीज़ भर रहे हैं, जिससे कि ये थोड़ी सी फ्लैट सी रहें। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए इस तरीके का एक ये किरण है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से देखिए अटैच कर दूंगी। हमें इस साइड से लाना है और यहाँ पे लाके हम इसको ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दोनों बर्ड्स मेरी दो अलग अलग बंधनवार के लिए मैंने तैयार कर ली हैं, और अब हम बंधनवार कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये दो रिंग्स लिए हैं दोस्तों मैंने, इसमें आप चाहें तो की रिंग का जो छल्ला आता है वो ले सकते हैं, या आपके घर में कोई पुरानी बंधनवार पड़ी हुई है तो उसके आप रिंग्स निकाल सकते हैं। ये मेरे जो पुरानी बंधनवार थी लास्ट ईयर की, उसके मैंने रिंग्स निकाल के यूज़ किए हैं। फ्रेंड्स अगर आपके पास ये जो प्लास्टिक के रिंग्स हैं ये आपके पास अगर नहीं है, तो आप इस तरीके की देखिए की रिंग्स होती हैं, ये मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था, इस तरीके के जो घर पे रखे होते हैं एक्स्ट्रा, उस तरीके का आप ले लीजिए। और उसमें देखिए ऊन लपेट के मैंने बनाया है, तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और इसकी जो कमियाँ हैं वो भी छुप जाती हैं। और ये इस तरीके की क्राफ्ट बेल्स आती हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और लोकल मार्केट से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम सामान मिलता है वहाँ से आप इनको ले सकते हैं। तो पहले हम ये जो हमने छल्ला लिया हुआ है इसमें हम धागे को इस तरीके से पक्की वाली गांठ लगा देंगे, और फ्रेंड्स आप जब बंधनवार को पिरोएंगे तो इस तरीके का जो धागा होता है ये मजबूत बहुत होता है, बिल्कुल टूटता नहीं है जब तक इसको कैंची से या चाकू से ना कट किया जाए। तो ये वाला आपको धागा लेना है नायलॉन का, मजबूती के लिए अगर आप सोचें कि नायलॉन का धागा ले लें तो वो उससे वो बात नहीं आएगी, क्योंकि उसमें वो जो लटकन वाला लटकने वाला जो उसमें क्वालिटी होती है वो नहीं होती है, उसमें अगर आप बंधनवार बनाएंगे तो खड़ा खड़ा सा रहेगा, उसमें ऐसा जो फॉल होती है वो नहीं आएगी। तो ये वाला आप धागा लीजिएगा, और ये देखिए मैंने इस तरीके से ही डाल दिया है, और ये जो है ये गोल्डन बीट्स हैं। आप अपने ऊन जो आपने ऊन के पॉम पॉम्स बनाए हैं उसके हिसाब से आप सिल्वर के भी ले सकते हैं, गोल्डन मोती भी ले सकते हैं, और चाहें तो जो वैसे वाइट वाले मोती आते हैं तो वो भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो बंधनवार मैं बनाने जा रही हूँ वो 175 सेंटीमीटर लंबी है, और नॉर्मली किसी भी डोर के लिए जो हमारे जो घरों में दरवाजे होते हैं उनके लिए ये बंधनवार की जो लंबाई है ये आइडियल लंबाई है। और ये जो हम बंधनवार की लंबाई 175 सेंटीमीटर की रखने वाले हैं, इसमें हम 14 पॉम्पम रखेंगे, 14 पॉम्पम इसमें हम डाल के इसको बनाएंगे, और दो पॉम्पम के बीच की डिस्टेंस मैंने 10 सेंटीमीटर रखी है। तो मैं पहले 7 पॉम्पम लगाऊंगी, फिर उसके बाद बीच में वो जो हमने राजस्थानी चिड़िया बनाई है वो लगाएंगे, फिर उसके बाद 7 पॉम्पम फिर से हम जोड़ेंगे, और लास्ट में हम बेल को अटैच कर देंगे। और यहाँ पे जो ये वाले गोल्डन मोती हैं फ्रेंड्स, ये मैंने दो पॉम्पम के बीच में जो है 16 मोती लगाए हैं, तो ये तो आपकी मोती की साइज़ पर डिपेंड करता है, लेकिन आप जब भी बंधनवार बनाने का ट्राई करते हैं हमेशा जो एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ ही आप बनाइएगा, तभी बंधनवार जो है सिमेट्री में बनती है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं मोती पिरो लेती हूँ,
यहाँ पे मैंने 16 जो है मोती पिरो लिए हैं। अब मैं एक पॉम्पम लूँगी और इसके बीच में धागा, ये देखिए सुई मैंने डाली है, और इसको हम इसके अंदर अच्छे से, ये देखिए इस तरीके से हमें इंसर्ट करना है। और हमें बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है इसको, नहीं तो ये जो मोती हैं इनमें जो है वो फॉल नहीं आएगा, ये ऐसे सिकुड़ से जाएंगे आपस में। तो डिस्टेंस का हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा चिपका के हमें नहीं करना है। उसके बाद ये देखिए मैंने ये ऑरेंज वाला पॉम्पॉम लिया है और मैं इसको इसमें, ये देखिए इस तरीके से डाल के, इसी तरीके से हमें पॉम्पॉम डालते जाना है। और यहाँ पे हम पहले 7 पॉम्पॉम डाल लेंगे सेम इसी तरीके से, उसके बाद हम ये वाली बर्ड को इसमें इंसर्ट करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने देखिए 7 पॉम्पॉम लगा दिए हैं, और अब मैं इस बर्ड को इसमें इंसर्ट करूँगी। तो हमें जो दरवाजे की दो ओर बनानी है बंधनवार, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि एक बंधनवार की जो बर्ड है उसका जो चोंच है वो इस साइड रहेगा और दूसरी वाली का इस साइड रहेगा। तो हमें इस तरीके से इसको रखना है। तो उसके लिए हमने इसका जो सेंटर है उसमें हम सुई डालेंगे और दूसरी साइड हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारी बर्ड बीच में लग गई। फिर से हमें उसी क्रम में मोती लगाने हैं, 16 मोती एक पॉम्पॉम, 16 मोती एक पॉम्पॉम, इस तरीके से करते हुए हम पूरे धागे में इधर की साइड भी 7 पॉम्पॉम लगा देंगे और एंड में इस बेल को हम यहाँ पे सिल देंगे। आप एक बेल भी लगा सकते हैं और दो भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपको खूबसूरत लगे आप वैसा करिए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ये पॉम्पॉम सारे जोड़ लिए हैं और अब मैं इन दो बेल्स को नीचे ऐड करूँगी। तो ये जो बेल आती हैं इसमें एक होल यहाँ पे दिया हुआ रहता है, और देखिए इस तरीके से है ये, और मैंने ये देखिए यहाँ से सुई इंसर्ट करी है और यहाँ से निकाल दी है। इस तरीके से हमें करना है। फिर जो दूसरी बेल है उसके हमने साइड वाले होल में सुई इंसर्ट करी है और बीच वाले में से निकाल दी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दो बेल हमारी फिक्स हो गई हैं। अब हमें इनको मजबूती देनी है, तो हम फिर से टांका लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दो बेल हमारी जुड़ चुकी हैं, और अब हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। और ये धागा दिखे नहीं, इसके लिए हमने जो ये मोती डाले थे इन्हीं के मैं अंदर में इसको इंसर्ट कर दूंगी वापस से। तो ये धागा अंदर की ओर चला जाएगा। और यहाँ पे बीच में आप कहीं पे भी जो है धागे को इस तरीके से मोड़ के, ये देखिए नीचे से ला के मैंने यहाँ पे नॉट लगा देनी है। तो यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हमारा धागा कहाँ से हमने लिया है और कहाँ से सिल के इसको हमने ख़त्म किया है। और यहाँ पे हम धागे को काट देंगे। तो ये हमारा एंड में बेल्स भी
ऐड हो गई हैं। तो हमारी एक बंधनवाड़ देखिए बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम डोर की दूसरी साइड वाली बंधनवाड़ भी बना लेंगे। और बस ध्यान ये रखना है कि इसमें जो बर्ड का चोंच इधर की है और है, तो इसका जो है इस साइड रहेगा। और दोस्तों, जो शुरू में हमने ये रिंग लगाया था उसका ये धागा ना दिखे, इसके लिए हम इस धागे को सुई में पिरो के इस तरीके से मोती के बीच में इंसर्ट कर देंगे, तो ये धागा दिखेगा भी नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।